बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आपे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो उन फिरका परस्तों से क्या सूरज नया बनाओगे, पूछो उन फिरका परस्तों से क्या सूरज नया बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नई बहाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इसलिए साथियों मैं ये जरूर कहूंगा कि शायरी कविता के माध्यम से एक सरल हृदय अपनी बात रख जाता है कि हवाओं को, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है। जो जयीफ समझदार लोग हैं वो समझेंगे, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, न अपनी जीत है न अपनी हार है, सिक्का केवल हवा में उछाला जा रहा है। न माझी न रहबर न हक में हवा है, न माझी न रहबर न हक में हवा है, किश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी का यारों, न पाने की चिंता न खोने का डर है। इसलिए मैं जरूर आपसे कहूंगा कि कोई भी काम यदि ऊपर वाला कराता है तो ऊपर वाला नेक नियति से कराता है, और जब नियति में खोट नहीं होती है तो इंशाल्लाह बरकत भी होती है। और कोई काम आप अपने कर ही नहीं सकते हैं, वतो इच्छु मंदशा वतो जिल्लू मंदशा, शोहरत और जिल्लत वही देता है, एक दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना उसकी रहमत के। और इसलिए हम गंगा चमनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं, प्रेम में रहने वाले लोग हैं, आइन में रहने वाले लोग हैं, अमन में रहने वाले लोग हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि बिना मालिक की मर्जी के रूह नहीं निकल सकती है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए जब तक वो है तब तक कोई चिंता नहीं है। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देने आया हूँ, और मैं तो सोच रहा था कि कुछ कवि पढ़ते, कुछ उनका सुनते, कुछ हम पढ़ना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो उन फिरका परस्तों से क्या सूरज नया बनाओगे, पूछो उन फिरका परस्तों से क्या सूरज नया बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नई बहाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इसलिए साथियों मैं ये जरूर कहूंगा कि शायरी कविता के माध्यम से एक सरल हृदय अपनी बात रख जाता है कि हवाओं को, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है। जो जयीफ समझदार लोग हैं वो समझेंगे, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, न अपनी जीत है न अपनी हार है, सिक्का केवल हवा में उछाला जा रहा है। न माझी न रहबर न हक में हवा है, न माझी न रहबर न हक में हवा है, किश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी का यारों, न पाने की चिंता न खोने का डर है। इसलिए मैं जरूर आपसे कहूंगा कि कोई भी काम यदि ऊपर वाला कराता है तो ऊपर वाला नेक नियति से कराता है, और जब नियति में खोट नहीं होती है तो इंशाल्लाह बरकत भी होती है। और कोई काम आप अपने कर ही नहीं सकते हैं,
वह तो इज्जू मंदसा वह तो जिल्लू मंदसा। शोहरत और जिल्लत वही देता है, एक दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना उसकी रहमत के। और इसलिए हम गंगा चमनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं, प्रेम में रहने वाले लोग हैं, आइन में रहने वाले लोग हैं, अमन में रहने वाले लोग हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि बिना मालिक की मर्जी के रूह नहीं निकल सकती है। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। इसलिए जब तक वो है तब तक कोई चिंता नहीं है। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद, अब कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, सब नंगे हो गए वोट की मंडी में, सब नंगे हो गए वोट की मंडी में। निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों में, अब तो टीएन सेशन वाला निर्वाचन तो है नहीं। निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों में, अब कोई वीर नहीं मिलता, संत कबीर नहीं मिलता, अब्दुल हमीद नहीं मिलता, जिसके माथे पर मजहब का लेखा है, हमने उसको शहर जलाते देखा है। और जब पूजा के घर में दंगा होता है, गीत गजल छंदों का मौसम रोता है, मीरा नीरा दिनकर काली तुलसी जिगर कबीरा रोते हैं, लिखते लिखते कागज भी काले होते हैं। और राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता नहीं मन की प्यास है, राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पांव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में। और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। चूंकि अभी स्थितियां थोड़ी विचित्र हैं, इसलिए मैंने इससे शुरुआत किया, दो चार लाइन और सुनाकर थोड़ा आप लोग का मन जरा हल्का कर देता हूं। क्योंकि हम सुनने आए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और हम कविता और मुशायरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो उन फिरका परस्तों से क्या सूरज नया बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। नस्लों कराता है, और जब नियति में खोट नहीं होती है तो इंशाल्लाह बरकत भी होती है। और कोई काम आप अपने कर ही नहीं सकते हैं, वह तो इज्जू मंदसा वह तो जिल्लू मंदसा। शोहरत और जिल्लत वही देता है, एक दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना उसकी रहमत के। और इसलिए हम गंगा चमनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं, प्रेम में रहने वाले लोग हैं, आइन में रहने वाले लोग हैं, अमन में रहने वाले लोग हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि बिना मालिक की मर्जी के रूह नहीं निकल सकती है। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। इसलिए जब तक वो है तब तक कोई चिंता नहीं है। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देने आया हूँ। और मैं तो सोच रहा था कि कुछ कवि पढ़ते, कुछ उनका सुनते, कुछ हम बोलते तो थोड़ा इंजन गर्म होता, तो माहौल बनता। अभी जो है माहौल बना नहीं है। माहौल तो बनाने के लिए जो है जौनपुरिया जी बैठे हैं। जब इतने बड़े बड़े शायर जब आएंगे और जब पाठ करेंगे, तो जब आदमी एक दूसरे को देख के थिरकता है तो नाचने लग जाता है।
जब वो कुछ कहेंगे हम कुछ कहेंगे, माहौल बनेगा इंशाल्लाह। धन्यवाद, शुक्रिया। हम अच्छे नियत से परमात्मा भगवान के सोच से आगे बढ़े और एक दूसरे के साथ अमन आइन अखलाक मोहब्बत से चले, यही आशा विश्वास के तहत आपके प्रति बहुत आभार, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।